सबसे पहले यहां विराजमान गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इनकी आवाज, जब गणेश जी का एक भजन गाया, भजन तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी रात इनके भजन सुनते रहे। आप सभी के चरणों में मेरा जो विराजमान बुजुर्ग विराजमान बैठे हैं आए सरपंच साहब, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, इनका मान सम्मान ना कभी मैं भूल पाऊंगा ना कभी मैं भूल सकूंगा। मैं आपसे एक छोटे काम के लिए आग्रह करने आया हूं कि मैं एक गोभक्त, मैं अकेला गोभक्त नहीं हूं, आप हर इंसान गोभक्त हो, लेकिन मैं दिखता कुछ और हूं। जिस प्रकार हर इंसान एक गाय की सेवा करते घर के अंदर बाहर, लेकिन मेरा कुछ उद्देश्य अलग निकला है। सब गोभक्त है, मेरा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय को बाहर घूमने नहीं देगा। यह मेरा उद्देश्य है, यह मेरा उद्देश्य होने के नाते आप सबको मेरा साथ, आपका साथ मेरा चाहिए, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपका प्यार मुझे चाहिए। जिस प्रकार आज वकील साहब अशोक जी ने मुझे यहां फोन करके बुलाया कि आप आगे प्रोग्राम में जो 2 मिनट के लिए हमारे प्रोग्राम में आज आना आपको जरूरी है, तो मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि इन लोगों से आज मुझे परिचय कराया, जिसमें कुछ इतने अच्छे लोगों, इतने विद्वान लोग जिन्होंने आज मुझे यहां मंच पे बुलाया। भाई दिनेश जी भोला साहब मेरे मित्र हैं, और पुनिया साहब, महेंद्र जी, खींची साहब, सब ने आज मेरा मान सम्मान किया, उनका सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूं उनको। और यहां विराजमान सभी पिता तुल्य, सभी को मेरा नून प्रणाम, मेरा राम राम, मेरा जय माता जी, सबको। एक कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, इन्होंने नून प्रणाम कर ली, भाई मानकी गोगन, मैं सगड़ा जो भी नून प्रणाम, राम राम, नमस्कार, जय माता दी, सगड़ा ने अलग अलग प्रणाम होया करे अलग अलग समाज के अंदर। तो मैं कहता हूं एक समाज कुछ नहीं करता, एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मिलके चलेंगे, ये कोरोना है ना, कोरोना गलत करने के नहीं लिए आया, ये सही करने के लिए आया। सभी सब धरती पे जो विद्वान थे, जो इंसान थे, सबकी आंख खोल दी इन कोरोना ने कि पुण्य के काम कौन करेगा, पुण्य के काम कौन करना चाहता है। कोरोना के अंदर पैसे से सब ने दान करने की शुरू किया, वहां दान दो, वहां दान दे दो, अपने पास है, हम चले जाएंगे, कोरोना आ गया मर जाएंगे। ये कोरोना सबकी आंख खोल दी, पता चल गया पैसे की मोल क्या है, इंसान की मृत्यु की मोल क्या, कि मर जाएंगे क्या करेंगे, पैसे किस काम के लिए आएंगे। तो सबकी आंखें खोल दी है। मैं निवेदन करता हूं कि आसपास यहां आवारी गाय या जितनी भी भवाद विनायकपुरा गांव के अंदर आसपास की जितनी भी गायें हैं, उनको आवारा गौशाला खोलने का आग्रह करें। सुबह आप यहां जितने भी आए, सुबह एक मीटिंग रखना, इसमें सब गुरुजी से मैं प्रणाम करता हूं, गुरुजी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जहां भी जागरण रखो, जहां भी जागरण रखो, इस जागरण में आज के बाद ऐलान कर देना कि जिस जागरण में जाओगे उस एरिया के अंदर जागरण करेंगे, वो गौशाला का मतलब उद्घाटन का समारोह करेंगे। यहां जहां जाएंगे बोलेंगे हर एरिया के अंदर गौशाला बनाएंगे। मैं कह दूंगा कि मैं पूरी भारत की, हिंदुस्तान की गायों की सेवा कर सकूं नहीं, आप भवाद के अंदर आप बोलोगे, विनायकपुर वाले विनायकपुर के अंदर, उजलिया वाले उजलिया के अंदर, अपने अपने गांव का, अपने अपने गांव का उद्धार करेंगे, नया नवाचार करेंगे, आज के बाद में कुछ नया करेंगे इस धरती का। वो आज से कुछ वर्षों पहले लगा था कि कल सतयुग था, सतयुग के अंदर 1000 भगवान थे, आज ये कलयुग में सतयुग बनाना है तो सबसे पहले गाय और गरीब की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके इस धरती माँ का उद्धार होगा। अन्यथा एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे की बुराई करने में, इस प्रकार अपने हजारों वर्ष निकाल ले, इसमें निकाल पाओगे, कुछ भी उद्धार नहीं होगा, कुछ भी नवाचार नहीं होगा। जो बंदे, जो युवा टीम गलत रास्ते में भटक रही है, नशा कर रही है, गलत रास्ता अपना रही है, तो आप बुजुर्गों को आशीर्वाद, अब इसके नवाचार लाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा कि गायों की पुण्य करने से मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन अपन को करना है। यह सोचोगे कि मैं 500 गायों या 5 गायों की सेवा करूंगा, मेरे पास फॉर्चून आ जाएगी, मेरा बंगला बन जाएगा, मुझे भगवान सुख देगा, पता नहीं है,
ये कोई भरोसा नहीं है। भगवान अपने आप आपको सुख देगा, उसके हाथ में वो जो भगवान दे वो ले लो बस। अपन सुख लेना चाहते हैं वो कोई जरूरी नहीं है, भगवान दुख देना चाहते हैं दुख ही ले लो, उसे कोई तकलीफ नहीं। हर संघर्ष मिलेगा, सीख मिलेगी, मंजिल मिलेगी। वो कहता है इंसान भटकता भटकता जो पत्थरों से ठोकर खाकर खाकर कितना ऊपर उठता है, तो उसने क्या सुख देखा? सुख देखने वाला कभी ऊपर नहीं उठता। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान था, लेकिन हर हिंदू के गुरुजी के चरणों में वो शीश नमन करता था। ये आप जो कर रहे हो ना जातिवाद, चाहे कोई भी जातिवाद छोड़ दो, जातिवाद एकदम नष्ट कर दो, तब इस धरती का, इस विश्व का कल्याण होगा, उद्धार होगा। जाट राजपूत विश्नोई मेघवाड़ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब जातिवाद छोड़ दो, एक हो जाओ और इस धरती का उद्धार करना है। तो मैं टाइम कम लूंगा, गुरुजी के पूरी रात जागरण देनी है, तो मैं निवेदन करूंगा गुरुजी से कि सुबह या गोचर जमीन है उसके अंदर उद्घाटन करेंगे, और ये जो भवाद ग्राम पंचायत के जो भी युवा बुजुर्ग आए हैं चटबट के भाग लेना। कोई सोचेंगे ये युवा कर रहा है, मैं को करूं नहीं, वो कर रहा है मैं नहीं करूं, छोड़िया के करी बे के करी बूढ़िया थाने हाथ आशीर्वाद देनो पड़ी, थाने पूर्व आशीर्वाद देनो पड़ी, थाने आशीर्वाद बिना कुछ से भी नहीं होगा, ये मैं पहले कह देता हूं। और 100 इंसान सही करना चाहते, एक इंसान इस चीज को बिगाड़ देगा फिर कुछ भी नहीं होगा, सबका साथ चाहिए। तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि गौशाला का उद्घाटन करना, और मेरे से जितना भी सहयोग होगा उतना मैं करूंगा। और मैंने 30 वर्ष, आज मैं 29 साल का हूं, मैंने खेला कूदा जैसे भी किया, आगे जो मेरी उम्र है चाहे 5, 10, 50, 20, वो पूरी मैं गाय और गरीब के दान करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता हूं मैं। बोल गौ मात की, बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए बजरंग बली की जय हो, बोलिए अपने माता पिता की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो। एक भी लोगों के आवाज नहीं गौ माता की, ऐसे उदार नहीं होगा। दोनों हाथ ऊपर, मेरे पर किसी की तकलीफ भी है ना तो वो भी आज गौ माता के लिए ऊपर कर देना कि राजू है वो है। आप किसी की वो कहते ना सुनते कुछ और है करते कुछ और है, आप गलत सुन रहे हो, सुनते रहो लेकिन करके दिखाएंगे इस धरती का उद्धार। सबके एक बार दोनों हाथों की तालियां, माताओं बहनों मैं निवेदन करूं, बोलिए गौ माता की क्या बात है, क्या बात है, अब ये उद्धार होगा, ऐसे उद्धार होगा, ये जोश दिखाओ सही जगह पे, बोलिए गौ माता की। अब मैं टाइम गुरुजी का, गुरुजी पीछे इशारा कर रहे हैं, टाइम नहीं है गुरुजी के पास, और मेरे आगे कोई प्रोग्राम में जाना है, माफी चाहता हूँ। मैं आज आया था कोई मतलब मन इस ये भजन गया तो लग रहा था पूरी रात सुनूं, लेकिन थोड़ा आगे एक मीटिंग हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की।